बेगूसराय में कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीदी नकटी टोल की बताई जा रही है। मृतिका मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीदी नकटी टोल के रहने वाले शंकर सिंह की पत्नी संगीता देवी के रूप में की गई है। मृतिका के भाई रमेश कुमार ने बताया कि 2 महीना पहले अपने बहन को मुंडन कार्य में 1 लाख रुपए खर्च के तौर पर दिए थे। इसी पैसे को लेकर मेरे बहन और जीजा में लगातार विवाद होता था। मृतिका संगीता देवी बराबर अपने पति से पैसा वापस करने की मांग करती थी। इससे नाराज होकर कई बार उसके बहन की पिटाई भी करता था। बीती रात भी इसी पैसे को लेकर पति पत्नी में जबरदस्त विवाद हुआ और आग बबूला पति ने अपने पत्नी को 7 गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हत्या के बाद हत्यारे पति मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिंघोल थाना अंतर्गत अमरोरा निवासी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह ने अपनी बेटी को 2005 में शंकर सिंह के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह किया था। फिलहाल मृतिका के 1 बड़ा बेटी और 2 बेटा है। वहीं मटिहानी थाना अध्यक्ष परशुराम ने बताया कि पति और पत्नी में पैसा को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद से नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी को गोलियों से भून डाला। गोली मारने से पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस घटना के बाद हत्यारे पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पहले 1 लाख रुपया शंकर सिंह और दीदी दोनों मेरा जीजा हुए शंकर सिंह और दीदी दोनों 1 लाख रुपया मेरे मम्मी घर से ले गए थे मुंडन के लिए। वही दीदी बोले कि मम्मी का रुपया लिए 1 लाख रुपया मम्मी को लौटा दो, तो इसीलिए वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, इसीलिए दीदी को गोली मार के रात में हत्या कर दी। कितना गोली मारा है? गोली टोटल 7 गोली मारा है। आपको पता कैसे चला कि हत्या हो गई? हाँ, हत्या की सूचना कैसे मिली? हम मेरा फुफेरा भाई है दशरथ सिंह, वही बताए कि देखो बहन का गोली मार कर हत्या कर दिया उनका पति शंकर सिंह, तो जीजा लग गए। तब आप लोग गए? हाँ, तब हम सब लोग गए, तब तक मर गए। और पुलिस कुछ गिरफ्तारी की है या नहीं? पुलिस अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे, अभी तक तो फिलहाल 2 चौकीदार फिलहाल है और पुलिस प्रशासन उतना अभी नहीं पूछे सकता था। कब शादी हुआ था? 2005 में हुआ था। नितिका जो है उनके बबच्चे भी हैं? हाँ, उनका 3 बच्चा है, उनका बड़ी बेटी है उनका नाम चांदनी कुमारी है और उनका बेटा का नाम बड़ा बेटा नाम अमन कुमार है और उनका एक बेटा छोटी। आपके कौन है? मेरी बहन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार है। और उनका क्या नाम है? मेरी माता का नाम छाया देवी। नहीं नहीं, उनका क्या नाम है? उनका मेरी बहन का नाम है संगीता देवी। पति का नाम? शंकर सिंह। घर? रामदीरी। क्या बातचीत किए थे? बातचीत किए, मम्मी खाना बनेला गेला मम्मी। और क्या क्या बोले थे? कहे मम्मी हमार मन ठीक नहीं छो, हल्का फल्का बुखार छो, मम्मी द्वार से नहीं जाइ छो डॉक्टर के ने, कहते कि करोना छिके हमरा ब्लड प्रेशर के बीमारी है, अगर जेबे ना कि कहते नहीं कहते, कोई डर से नहीं जाइ छ हमार बेटी चांद के करा कर कर लगा जात। और कुछ बताए थे? और बताया मम्मी, मम्मी तोर पैसा है मांग के 2-4 दिन में तोर पैसा ना मम्मी दे दबो। आप मांगते थे पैसा? हाँ हाँ सर, हम मांगा शाम के कल शाम, हम बोले जी नुनू हर बारी एक नाव ले लो पैसा जिमा में लो, हमने कहा पैसा बेटा काम से जरूरी दे दी, माल जाल के डेरा टूट गए ओकरा ठीक कर। कब दिए थे? कब दिए थे पैसा? 6 महीना पहले याद नहीं कितना, कौन महीना में 6 महीना। उनके पति क्या करता है? खेती गृहस्थी। गोली किस लिए मारा? गोली यही लिए मारा
जिस गोला किया जे मम्मी के गरीब लोग है, पापा मर गया, मम्मी खाने पड़ी पीने के लिए गांव समाज मम्मी के पास में दे दिया, उनको काम लगा, उनको काम हुआ, अब मम्मी लौटा देना चाहिए। यही बोला, यही बोल के दोनों लड़ाई झगड़ा की, झगड़ा घर में बप्पा झगड़ा झाटी होते होते गोली चला दी। क्या नाम है उनका? शंकर सिंह। नहीं नहीं, आपके बेटी का? संगीता को देवी। आपकी कौन है? उसके मम्मी है, माता है। क्या नाम है आपका? छाया देवी।